अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि 2021 अपने अख्ताम को है और 2022 का शुरू है, तो आपका इस हवाले से क्या मैसेज होगा, आवाम को कैसा साबित होगा आपके लिए? जी वालेकुम अस्सलाम, जैसा कि 2021 अपने इख्तिताम पर पहुंचा और 2022 आ गया, मेरे हिसाब के लिए यही दुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें और जैसे 2021 में जो काम नहीं कर चुके वो इसमें पूरे हो जाए, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये हो गया सर 2021 में, हमें कोरोना ने बड़ा मुतासर करवाया, तो अभी इंशाल्लाह नया 2022 शुरू है, अल्लाह सबको खुश रखें, हमारा यही दुआ है सबको। 2021 को अगर हम लोग देखें तो हमारे हम सब के लिए एक बड़ा क्रैकडाउन था कि पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब ने सफ़र किया, तो मैं ये विश करती हूँ कि 2022 हमारे हम सब के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो भी बीमारी है, जो भी नए वायरस आ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको उनसे पाक रखे और हम लोगों को इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से पूरी दुनिया के लिए नए साल की मुबारकबाद देती हूँ और बहुत सारी दुआएँ हैं फ्रॉम नाइकन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। 2021 से माशाल्लाह अच्छा गुजरा है, कोविड था, बहुत से मसले मसाइल भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हम सब पे बड़ा रहम किया है, और 2022 है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए बहुत बेहतर करें, स्पेशली नाइकन के लिए और सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा करें। नाइकन की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो 2021 का साल हमारा जो गुजरा है उसमें हमने बड़ा रिसेशन देखा है, उसमें चीज़ें हमारी जो नेचुरली हमारे पास जो कोविड-19 है, एक ऐसा पेंडेमिक आया, उसको हमने सारों ने बियर किया उस चीज़ को, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी इस चीज़ को बियर करने के लिए, उसको हमने थोड़ा कवर अप किया, फिर थोड़ा हालात बेहतर हुए पाकिस्तान में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हमने बड़ा अच्छा इम्पोज किया उस चीज़ को, और अपने रिसेशन को बड़े अलाउ करके हमने रिसेशन के साथ ही आगे अपने कोर्सेज को, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। अब मशा चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं, आगे जाके इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ आएंगी, तो हम 2022 में ख़ासतौर पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें मौका दे रहा है कि हम इन चीज़ों को और अच्छा तरह से पेश कर सकें और अपनी सर्विसेज को और अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकें। तो 2022 में हमारी बहुत नेक ख्वाहिशात भी हैं और हमारी नेक तमन्नाएं भी हैं अपने इदारे के साथ भी, और हमारा पर्सनल इस चीज़ पे एफर्ट्स भी हैं और हार्ड वर्किंग भी हैं कि हम इदारे को आगे लेके चलें और इस चीज़ से जो है और इस साल से और फ़ायदा उठाएँ और अपनी पॉलिसीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग करें इस चीज़ के। स्टूडेंट्स के बारे में ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स इस ईयर में जो है, पिछले ईयर में पेंडेमिक की वजह से वो भी बड़ा डिस्टर्ब थे, लेकिन अब मोटिवेट हो गए हैं, इस ईयर में इंशाल्लाह वो भी मोटिवेट होकर आगे जाएंगे और आगे इंशाल्लाह प्रमोशन की तरफ अपने प्रमोट करेंगे अपनी स्टडीज़ को भी, और अपने जो उनका एम है उसको इंशाल्लाह आगे परस्यू करेंगे और फाइनल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। 2022 वेलकम अ न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ़ यू, और इसमें एक चीज़ ये करूँगा कि आप लोगों ने मेहनत करनी है और इस चीज़ में आप लोगों ने डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ में जो पीछे हो गया उसको भूल के अब आगे आपने अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है आप लोगों। Happy New Year for all of you. Happy New Year. अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH News पर।